हाँ भैया, तो क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने कल वाले व्लॉग में देखा कि हम पाकिस्तान से ईरान बॉर्डर पर कैसे आए, उसके बाद हम गए थे जी चाबहार, और चाबहार से यहाँ कुम में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ तक आने में तकरीबन 20-22 घंटे लगे, और अभी हम जा रहे हैं जी, अली भाई आप ही बता दें, हम हरम में जा रहे हैं हजरत माजमान। बिल्कुल, और हरम में जाके हम क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़ियारत करेंगे, ज़ियारत करेंगे, उसके बाद नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज हाँ, पढ़ के वापस आएंगे। बिल्कुल, और आप सब के लिए भी दुआ करेंगे जी। बिल्कुल, हाँ जी अली भाई, तो तफ्तीश से हम निकले, ये सहन है। मुझे लगा था ये कैमरा बंद कर देते हैं अंदर। नहीं करते। सहन इमाम रजा, सहन के हिसाब से अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग सहन है। तो अगर बंदा गुम जाए तो एक जगह पे खड़ा होके बता सकते हैं मैं इस सहन के अच्छा दरवाजा या इस सहन पे खड़ा है। यहाँ पे पानी पीना, दो आ गया यहाँ पे, हाथ रखे तो आ जाता है भाई, निकल जाए। ये क्या, एक दफा पानी पीने के बाद ये खत्म देगा? हाँ, पाकिस्तान नहीं है भाई, ईरान है। और आपको धूप की वजह से लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन गर्मी उतनी नहीं है। हाँ, धूप थोड़ी तेज़ है, धूप में थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन वो वाली गर्मी नहीं है जो बॉर्डर पे और कराची में थी भाई। वो तो मतलब पूरा जला देती थी, मतलब पूरा पिघला देती थी। बहुत खूबसूरत है यार अली भाई। हाँ, यहाँ पे रश इतना ज्यादा हमेशा होता है या आज है? आज कम है भाई, कम है। हाँ, वाकई में कम है। हाँ? वाकई में ये पूरा सहन भर जाते हैं, अभी घंटा डेढ़ घंटे के बाद भर जाएगा। हाँ, नमाज का टाइम होगा, अभी तकरीबन 10:30-11 बज रहे हैं। यहाँ से शापर निकालो, तो भैया नमाज़ पढ़ने के बाद और ज़ियारत करने के बाद हम आ चुके हैं जी बाहर वापस फिर से। आप लोग टेंशन नहीं ले, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं की हैं, ठीक हो गया जी। तो अभी चलते हैं जी वापस जहाँ से हम आए थे। ज़ियारत करने के बाद कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। आप तो कई बार आ चुके हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि मैं मस्जिद में आ रहा हूँ। अच्छा हाँ, मतलब नॉर्मल हो गया आप, लेकिन जब पहली बार आते हैं तो आपको मतलब अंदाज़ा होगा कि क्या फीलिंग होगी हमारी, जो कि कैमरे पे बयान नहीं हो सकती, लेकिन बहुत अच्छा लगा। क्यों जाले भाई? मैंने क्या बोला पता नहीं है। हाँ सही बात है, यही करना चाहिए, यही वजाहत भाई की याद दिला दी। पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं भाई, ये देखिए कपड़ा धोने वाला सरफ। हाँ सरफ, क्या सीन था? एक्सचेंज। अच्छा एक्सचेंज को सरफ बोलते हैं। शत्रु मोरो अंडा आगोए आगो कम ऑन। अबे नहीं आता मैं यार, देखो 20,000 का मसाला लिया है। लाइन में बैठे हुए कह रहे हैं खलास हो गया जी, खत्म हो गया मतलब। तो भैया बस आज के लिए इतना ही, पहले दिन ही हमने आपको ज्यारत करा दी और हमने खुद भी किया, बहुत अच्छा लगा। और कल से हम आपको दिखाने वाले हैं जी पूरा ईरान, मतलब ईरान बाजार में अभी हम पहुंचे हुए हैं, कुछ खरीद रहे हैं। अली भाई पता नहीं क्या खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसे मतलब नॉर्मल थिंग्स। और फर्स्ट इंप्रेशन क्या है जी ईरान का, और यहाँ पे लोग कैसे हैं, और मौसम कैसा, और सब कुछ डिटेल में हम आपको बताने वाले आगे आने वाले व्लॉग्स में, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके। क्यों जी अली भाई? पता नहीं है क्या बोला है, लेकिन जी जी कह रहे हैं तो अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।